अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कश्यप हेल्थ एंड ब्यूटी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही ज़बरदस्त एक रेमेडी। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होगी और इंशाल्लाह देखेंगे कि आपको किस तरीके से इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आज की इस रेमेडी का नाम जो है, आज जो हम रेमेडी जो है रेडी कर रहे हैं, वो हम डार्क सर्कल के लिए रेडी कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कम चीज़ों में, और ख़ास करके वो चीज़ें जो इंशाल्लाह आपके घर में ही मौजूद होंगी, आपको मार्केट से कुछ भी परचेज़ नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोग देखेंगे किस तरह से झटपट से आप जो रेमेडी जो है वो रेडी कर सकते हैं। चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं, अपनी रेमेडी जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम डार्क सर्कल से छुटकारा पा सकते हैं घर की चीज़ों के साथ ही बहुत ही आसानी से और बहुत ही आराम से। यानी कि आप देखेंगे कि किस तरह से आप लगाते लगाते ही आप देखेंगे कि चंद ही दिनों में आपके डार्क सर्कल भी दूर हो जाएंगे, और ख़ास करके जिनके फाइन लाइन्स वगैरह झुर्रियाँ पड़ जाती हैं आँखों के गिर्द, तो वो किस तरीके से आप देखेंगे दूर हो जाएंगी। चलिए सर, आप टाइम वेस्ट किए बिना जो है स्टार्ट करते हैं, अपनी रेमेडी की तरफ आते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जो मेरे चैनल पर न्यू है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक ईजीली पहुँच सके, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो जनाब सबसे पहले हमें बनाने के लिए सबसे पहले एक चीज़ चाहिए, वो है खाली बाउल। आपको एक खाली बाउल चाहिए, और खाली बाउल में हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट है। सबसे पहले हमें चाहिए एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपको तकरीबन हर घर में मौजूद होती है, अगर नहीं भी है तो आपको मार्केट से ईजीली मिल जाएगी। आपने ये मार्केट वाली अगर आपके घर में मौजूद है प्लांट, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आपने इस तरह से एलोवेरा जेल ले लेनी है। नेक्स्ट आपको चाहिए इसमें कॉफ़ी, नेस कॉफ़ी। आपके पास इस तरह के साशे भी होंगे, और आपके पास जिस तरह से भी आप यूज़ कर रहे हैं या नहीं भी, तो आप इस तरह का एक साशे जो है वो 10 रुपीज़ का आपको मार्केट से मिल जाएगा। आपने एक साशे जो है कॉफ़ी का ले लेना है। नेक्स्ट हमने लेना है एवियन के कैप्सूल्स। आपको एवियन के कैप्सूल जो है वो भी तकरीबन हर घर में मौजूद होते हैं। और लास्ट में हमारे पास मौजूद है ग्लिसरीन। इन तमाम चीज़ों की कितनी कितनी क्वांटिटी जो है इस बाउल के हम अंदर ऐड करेंगे और इसको यूज़ किस तरीके से करेंगे, वो आपको साथ साथ में बताती चलती हूँ। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल ये देखिए मेरे पास ये टीस्पून है, टेबलस्पून नहीं है। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपको टेबलस्पून नहीं यूज़ करना है इस क्वांटिटी में। बाकी क्वांटिटी जो है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए एक चम्मच जो है छोटा चम्मच चाय वाला, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया एलोवेरा जेल। मैं फिर बता रही हूँ, अगर किसी के पास ये मौजूद नहीं है तो आप प्लांट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हाफ जो है वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ग्लिसरीन का, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक कैप्सूल एवियन का। ठीक है, इसको मैं कट करके इसके अंदर ऐड, ये देखिए एक कैप्सूल जो है इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। आपने सेम इसी तरीके से एक कैप्सूल कट करना है और ऐड कर दें। आप देखेंगे किस तरह से आपके जो है डार्क सर्कल दूर होंगे, जो है आपकी झुर्रियाँ जो है फेस पर होती हैं, आपके आईज़ के साथ जो एक लाइनें आ जाती हैं, तो वो जो है बहुत ज़्यादा फेस गंदा लगता है, तो आप उसको किस तरीके से दूर कर सकते हैं इन छोटी सी रेमेडी जो है इसको यूज़ करने से। आप देखेंगे ये कॉफ़ी पाउडर जो है वो मैं एक चम्मच के करीब इसमें ऐड कर दूंगी, बस काफ़ी होगा। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हमने करना क्या है, अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये देखें ये बहुत अच्छे तरीके से एक पेस्ट सा बन जाएगा। ये देखें एक लिक्विड सा पेस्ट बन जाएगा। जब आप इसके अंदर फ्रेश एलोवेरा जेल ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जेल टाइप बन जाएगा। मार्केट की चीज़ जो है वो स्टोर होती है, उसका इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता जितना कि आपको फ्रेश जो है नेचुरल चीज़ का इफ़ेक्ट मिल रहा होता है। आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्सअप करना है। कॉफ़ी बहुत अच्छी होती है हमारी स्किन के लिए। अच्छा, एक और ख़ास बात आपको बताती चलूँ कि ये आप पैक फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसमें कोई एज का भी नहीं है। मैन वुमेन इसको हर कोई इसको यूज़ कर सकता है, ख़ासकर वो बच्चियाँ जो लेट नाइट स्टडी करती हैं और जिनके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हो जाते हैं और उसकी वजह से लाइनें आ जाती हैं फेस पर जो है फाइन लाइन्स, उसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। तो आपने इसको बना कर रख,
आप इसको तकरीबन 1 वीक तक भी रख सकते हैं, लेकिन जितना हो सके इसको फ्रेश बनाएं, फ्रेश यूज़ करें। इसको कितना टाइम लगता है, 2 मिनट भी नहीं लगते इसको बना कर रखें। अब इसको बनाया लगाने का तरीका बताती हूँ। यहाँ तक जिसको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसको लगाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आपने किसी भी कॉटन लेने लें या फिर हैंड की हेल्प से आपने इस तरीके से आइस के ऊपर इस तरह से लगाना है, राउंड में इस तरह से लगाइएगा और देखिएगा कि जब आप इसका मसाज करते रहेंगे तो ये आपकी स्किन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। जब ये आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए तो आपने इसको लेट मतलब ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। आपने इसको छोड़ देना है, नाइट में आपने इसको यूज़ करना है। आप देखेंगे कि 3 से 4 दिन 5 दिन में आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा। जिनके बहुत गहरे जो है वो डार्क सर्कल हैं और लाइनें बहुत ज़्यादा हैं, वो तकरीबन इसको 15 दिन यूज़ करें, आप देखेंगे बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा आपको। ये आपको वाइटनिंग भी देगा। अगर आप फेस पर यूज़ कर रहे हैं तो आप देखेंगे आपका फेस कितना वाइट हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा, ग्लोइंग स्किन हो जाएगी। बहुत अच्छा इसका इफेक्ट है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करें। आपको किसी भी चीज़ से फ़ायदा मिल रहा होता है तो आप कोशिश किया करें कि दूसरों को भी आप इससे फ़ायदा मिले, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से मेरी वीडियो समझ आ गई होगी। मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी। इसी के साथ करते हैं अपनी वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना है।